युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान खिलाड़ियों ने मेडल के लिए जोर आजमाइश की। युवा कल्याण अधिकारी हेमा परिहार ने बताया कि खंड स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभा कर रहे खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह है। खंड स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभा करने का मौका मिलेगा। खंड स्तरीय प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नकद राशि देकर पुरस्कृत किया जा रहा है। इधर खिलाड़ियों ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। अभी हम क्रिकेट वॉलीबॉल में अंडर 17 में प्रतिभा कर रहे हैं और हमारा इसमें हम एक मैच जीत गए और हम दूसरे मैच के लिए अभी क्वालिफाई हो गए और हम अब दूसरे मैच में जीतने की कोशिश करेंगे और स्टेट लेवल पे वो खेलेंगे। यहीं से हम बागेश्वर से बहुत तैयारी करते हैं और हम यहाँ स्टेडियम में खेलते हैं। अरेंजमेंट बहुत अच्छा है और सब बच्चों के लिए मतलब सारी वो सुविधाएं यहाँ है। ये ग्रामीण स्तर से ये प्रतियोगिता शुरू होती है, इसमें बच्चों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है राज्य स्तर तक खेलने का। तो यहाँ पर जो बच्चे न्याय पंचायत 16 न्याय पंचायत हैं विकासखंड बागेश्वर में, इसमें जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया वो प्रतिभागी आज विकासखंड स्तर पे, कल अंडर 14 आई वर्ग की थी, आज अंडर 17 आई वर्ग की है और कल अंडर 19 आई वर्ग की प्रतियोगिता यहाँ पर संपन्न होगी। एथलेटिक वॉलीबॉल कबड्डी खो खो, इसमें जो प्रतिभागी प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे उनको प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 500 रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 400 रुपये व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 300 रुपये की धनराशि विकासखंड स्तर पर प्रदान की जाएगी। और आने वाले दिनों में जो प्रतिभागी विकासखंड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे वह आने वाले दिन में जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। 18 तारीख से हमारे खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो रखा है और कल अंडर 14 का था, आज अंडर 17 के बच्चे खेल रहे हैं 16 न्याय पंचायतों में से। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, इसमें सभी जो बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं उसमें जो चयनित बच्चे आएंगे, हमारे चयनित बच्चे आए हैं न्याय पंचायतों से भी, और यहाँ से जो चयनित बच्चे जो फर्स्ट प्रतिभागी होगा वो जिले स्तर पर हमारा प्रतिभाग करेगा। CGN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।